अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आप सबका मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपकी होस्ट रिफत पनीर रिफत किचन गार्डन से। तो आपको आज मैं बहुत मज़े की पंजीरी बनाना सिखा रही हूँ, बहुत तफसील के साथ। अगर मेरी पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी हो पंजीरी वाली, तो नशास्ते वाली पंजीरी मैंने आपको बनाना सिखाई थी। तो मेरे पास जगह मैं मज रख जाती हूँ, थोड़ी कम है, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखा ही दूँ। उस तरह मैं जब बनाती हूँ तो बहुत से लोगों को समझ नहीं आती, तो फिर इस तरह मैंने चीज़ें क्वान्टिटी में डाल के रखी हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या क्या डालती हूँ पंजीरी में। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैंने लिया है देसी घी, तकरीबन 1 किलो लिया है, इससे ज़्यादा भी रखा हुआ है अगर ज़रूरत पड़ी तो। बस हमने सूजी 1 किलो मैंने सूजी ली है, ये नशास्ता बचा हुआ था जो पिछले साल पाकिस्तान से मैं बना के लाई थी, ये वो है। और ये शुगर है 1 किलो, ज़रूरत पड़ी तो हम और डाल लेंगे, लेकिन इतनी काफ़ी है मेरे ख्याल से। ये देखें, ये सूखी अदरक है यानी सूंड 2 टीस्पून है, 2 टेबल स्पून है, ठीक है जी। मैं ज़्यादा इसलिए, ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं, मैं इसलिए ज़्यादा नहीं डाल रही कि बच्चे भी पसंद नहीं करते। ये मैंने तिल लिए हैं, ये तकरीबन होंगे आधा पाव तिल। और ये हैं बादाम गार्निश के लिए कटे हुए, और ये हल्दी और अजवाइन, ये टेस्ट को मैनेज करते हैं। और हल्दी बहुत ज़रूरी होती है पंजीरी में, हल्दी से जो पंजीरी में थोड़ी सी गर्म हो जाती है और खाने में इसका टेस्ट भी अच्छा लगता है। टेस्ट मैनेज करने के लिए मैंने ये ब्लैक पेपर लिया है 1 टीस्पून, और ये 1 टीस्पून ही मैंने सौंफ लिए हैं, ये 1 टीस्पून ही मैंने जीरा लिया है, और ये मैंने काजू और पिस्ता, ये पिस्ता खा गए हैं मेरे छिलते छिलते ही, ज़्यादा काजू है कम पिस्ता है, काजू और पिस्ता है। ये हैं जी छुहारे, और ये हैं जी किशमिश, ये भी तकरीबन 1 पाव है किशमिश, छुहारे भी 1 पाव थे ये खा गए। ये तकरीबन आधा किलो बादाम, ये होगा आधा पाव, ये होगी ये 4 गोंद, और मेरे पास चरमगज जाने मिलते तो मैंने सोयाबीन के बीज ले लिए हैं, और पाकिस्तान से गुड़ लाए थे मेरे बच्चे तो यही पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि शुगर के साथ इसको भी मैनेज कर लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मिला के मैं पंजीरी बना रही हूँ, तो आए फिर चलते हैं पंजीरी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं दिखाती हूँ, और गौर से देखिएगा, ये पंजीरी बहुत मज़े की बनने वाली है। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं उनकी मशकूर हूँ। तो फ्रेंड्स फिर चलते हैं पंजीरी बनाने के लिए, बिस्मिल्लाह। तो फ्रेंड्स हमने चूल्हे को इसमें डालेंगे देसी घी, इसको मेल्ट होने देते हैं, ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें ऐड करने हैं बादाम, बादाम मैंने लिए हैं तकरीबन ये आधा किलो, ये 1 किलो के होंगे या 1 किलो से कम या ज़्यादा होंगे, ये है बादाम की। तो इसको हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स एक दूसरे की मदद किया करें, इससे अल्लाह ताला भी खुश होता है, और अल्लाह ताला की बनाई हुई इस दुनिया में उसके सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो इंसान है, तरह का भी अच्छा नहीं होगा। बस इनको इतना ही रोस्ट करना है जितना कि ये करारे हो जाए। मखाने और मखाने भी पंजीरे में डाले जाते हैं, और उसके बाद पंजीरे में डाला जाता है कमर कस भी। बादाम सारे मैंने रोस्ट करके निकाल लिए हैं, ये हम डाल देते हैं। नमक मैंने इसलिए डाला था, नमक वाला है तो नमक मैं ऐड नहीं करूँगी पंजीरे में, वैसे नमक ऐड करना चाहिए थोड़ा सा टेस्ट को मैनेज करने के लिए। ये देखें, ये भी करारे हो गए हैं, इसको भी हम कोशिश करें थोड़े बहुत। ये देखें, अब हम डाल रहे हैं किशमिश। फ्रेंड्स ये देखें, ये फूल के अंगूर बन रहे हैं, डाल लेते हैं रोस्ट होने के लिए, ये भी फूल जाएगी। फ्लेम को मज़ीद थोड़ा सा हम आस्ता, ये जो 4 बूंद होती है, ये है 4 बूंद, इससे जिसम में जो दर्द होते हैं बोन मैरो हड्डियों में जो कम हो जाता है, इससे ये पूरी हवा हो जाता है। जो ज़्यादा मकदार में डालनी पड़ी है, मेरे पास तो इतनी पड़ी हुई थी, हमारे सिटी में तो मिलती है। इसको भी निकाल लेते छुहारे, इनको भी हम हल्का सा काढ़ा कर लेते हैं। ये
ये भी हो गए। ये बदाम गार्निश करने के लिए जो रखे थे ना उनको, तो फ्रेंड सारी चीजें मैंने फ्राई कर ली हैं और उनको ठंडा होने के लिए उतार लेते हैं। ये देखें फ्रेंड 10-15 मिनट तक मैंने इसको सबसे चमचा चलाते हुए भुना है और मेरा हाथ भी बाजू में सख्त हो गया है। और ये देखें ये आखिरकार हल्की ब्राउन हो गई और इसमें से एक बहुत अच्छी स्मेल भी आ रही है और ये अच्छे से अच्छा वजन में भी कम आती है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं और नाश्ते को भूनते हैं। नाश्ते को हम ऐसे ही भून लेते हैं बगैर, वैसे ये पहले से भुना हुआ। ये देखें फ्रेंड्स हमने सारी चीज़ें पीस के हमने इसमें ऐड कर दी हैं। दरदरी दरी ये वाली, ये देखें ये जो हमने चार बोन थी और ये बादाम वगैरह सारे मिक्स करके हम इसमें, ये मेवे भी हम थोड़े डाल लेते हैं थोड़े गार्निश के लिए रख देते हैं, ये गार्निश के लिए रख देते हैं। इसमें से बादाम हम, ये इसमें से जो घी है बादामों का ये सारा डाल देते हैं, ये गार्निश के लिए रख देते हैं। और ये मेवों का घी भी हम निचोड़ लेते हैं, ये है छुआरे, ये भी मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। और घी भी, हर चीज में घी है देखे, इसमें मेवों का घी डाला था। और ये गार्निश के लिए इसमें से ही रख लिया है कुछ। अब हम इसको मिक्स कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा बन के तैयार हो रही है। ठीक है, ये बटर है, बटर हम थोड़ा ऐड करेंगे और थोड़ा घी इसके साथ मेल्ट हो जाए। इसको मैंने थोड़ा छोटे टुकड़ों में कर लिया था लेकिन फिर भी ये शक्कर की इसमें हम पानी भी थोड़ा ऐड करते हैं ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। ये देखें फ्रेंड्स ये शीरा तैयार हो चुका है जीरे के लिए, तो हम इसको ऐड करते हैं। तो सारी चीज़ें मिक्स की हुई हैं उसमें, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। तो ये देखें इसमें मैं अब ऐड कर देती हूँ शीरा, इस पर हम शीरा करते हैं। बहुत मिक्स होके बहुत अच्छा सा इसमें कलर आया। मेरे पास इससे बड़ा बर्तन नहीं था। अब मैं इसको मिक्स कर देती हूँ। उल्टे हाथ से तो चिता भी दिखाया मैंने, आप निकल दीजिए। इसके हम लड्डू भी बांध सकते हैं फ्रेंड्स, और इसको ऐसे भी रख सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये अभी सारा शीरा पी जाएगी सूजी, इसलिए मैं इसको जल्दी जल्दी मिक्स करना होता है ताकि ये मंजमद हो जाती है, जम जाती है। और ज़रा जोर लगा के अकेली जान, अल्लाह ताला जब देता है उन औरतों को जो अपनी फैमिली के लिए छः छः खाने बनाती हैं, अपनी फैमिली का ख्याल रखती हैं। अब हम इसके देखते हैं लड्डू बांध देते हैं, ये वैसे बहुत गर्म है, अकेली जान कैसे बांधेगी लड्डू, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। देखती हूँ मैं, बहुत गर्म है यार। ये देखो मेरे हाथ, ये देखें मैं इतने इतने लड्डू बना रही हूँ, आप अपने पसंद से इससे छोटे या बड़े बना सकते हैं। ये देखें मेरे हाथ, तो फ्रेंड्स मैंने बहुत ही तफसील के साथ आपको पंजीरी के लड्डू बनाना दिखाए हैं और सिखाए हैं।
उम्मीद है कि आप सीखे होंगे। ये मेरे हाथों की कंडीशन देखे, मैंने सारे लड्डू बना लिए और लड्डुओं को ये देखे एक ट्रे में सजा भी दिया है। और अब मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, रात भी काफ़ी हो चुकी है। तो आप ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी है और किस किसने मेरी रेसिपी फॉलो की है और मुझे आप लोगों के लिए और क्या क्या बनाना है। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें और मुझे इजाज़त दें बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे, आपके जायकों में बरकत दे और आपकी उम्र में बरकत दे। और आप इसी तरह अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें और अच्छे अच्छे खाने खाते रहें। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में।